दुनिया के सात वंडर्स में सबसे पुराना वंडर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि साइंटिस्ट के अनुमान के हिसाब से 4500 साल से भी कहीं पुराना है। लेकिन इन पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक कोई हिस्टोरियन तक नहीं दे पाया। वो ये है कि आखिरकार इन पिरामिड्स के अंदर क्या है और इसे क्यों और कैसे बनाया गया था, क्योंकि इस पिरामिड में लगाए गए एक स्टोन का वजन ही लगभग 2.5 टन के बराबर है और इस पिरामिड को बनाने में ही तकरीबन 23 लाख से भी ज्यादा स्टोन ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस पिरामिड का टोटल वेट ही 5.7 मिलियन टन के करीब होता है। और क्योंकि 4500 साल पहले ना तो इजिप्शियन के पास क्रेन्स थी और ना ही दूसरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और यहाँ तक कि उस टाइम पर इजिप्शियंस के पास व्हील तक नहीं थे, तो आखिरकार कैसे बनाया गया था ये पिरामिड, तो इस वीडियो में हम समझेंगे द ग्रेट पिरामिड से जुड़ी मिस्ट्रीज और साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी ग्रेट पिरामिड को लेकर। तो सब कुछ डिटेल में समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी हम पिरामिड्स का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये 3 पिरामिड ही आते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस जगह पर 118 के करीब पिरामिड्स मौजूद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे फैरो खुफू ने बनवाया था। उससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे फैरो खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। फिर उसके बाद आता है पिरामिड ऑफ मेनकोर, जिसे खाफरे के बेटे मेनकोर ने बनवाया था। इनके अलावा वहाँ पर कुछ छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ खराब कंडीशंस और इतने पुराने होने की वजह से टूट भी चुके हैं। हालांकि ये सभी पिरामिड्स असलियत में तो एक मकबरा ही हैं, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इन मकबरों की सबसे दुर्लभ बात ये है कि गीजा का ये 3 सबसे बड़े पिरामिड्स एक्चुअली में हमारे आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट के 3 मेन स्टार एलनीटेक, अल नीलम और मिंटाका के साथ बिल्कुल सीध में अलाइंड है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस टाइम पर कंपस या दूसरे टेलीस्कोप जैसे इक्विपमेंट थे ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन था कि पिरामिड्स को एकदम सटीक ओरियन बेल्ट के सीध में बनाया गया। इसके अलावा जिस टाइम पर इन पिरामिड को बनाया गया था, उस टाइम पर ये पिरामिड आज की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि उस टाइम पर पिरामिड का सरफेस एकदम स्मूथ हुआ करता था कि ये सन रेस तक को रिफ्लेक्ट कर सकता था, जो कि ये प्रूफ देता है कि उस टाइम पर पिरामिड्स को बनाने में कितनी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इन पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थर इतने भारी थे कि हिस्टोरियंस ने ये बताया कि ये नियरली इम्पॉसिबल है कि इंसानों ने एक एक करके इन पत्थरों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखा होगा। इसी वजह से साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी कि किस तरह पिरामिड्स को बनवाया गया था, जिनमें से सबसे अनोखी थी वाटर शाफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से इजिप्शियन ने पानी का इस्तेमाल किया था पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के लिए। यूं तो आज के टाइम पर पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में आयरन और स्टील तक को भी काटने के लिए किया जाता है, लेकिन एंशियंट इजिप्शियन पानी की पावर का पोटेंशियल काफी पहले से समझ चुके थे। इसीलिए एंशियंट इजिप्शियंस ने एक वाटर कैनाल सिस्टम बनवाया था, जिसमें पानी भर के इतने भारी स्टोन को एक फ्लोटिंग मटेरियल से अटैच करने के बाद नीचे से ऊपर पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन वाले हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस थ्योरी के बाद अगली थ्योरी जो काफी ज्यादा साइंटिस्ट के बीच में पॉपुलर है, वो है इंटरनल रैंप थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एंशियंट इजिप्शियन ने एक इंटरनल रैंप सिस्टम बनाया था इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, जहां पर इन पिरामिड के अंदर की तरफ एक स्पाइरल स्लाइडिंग या रैंप जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया था, ताकि वो लोग बिना उठाए ही इन बड़े स्टोन्स को स्लाइड करके खींच कर ऊपर ले जा सके, क्योंकि इतने बड़े स्टोन को उठाने की जगह खींचना ज्यादा प्रैक्टिकल और इजी होता। और इस इंटरनल रैम थ्योरी को साल 1990s में जीन पैर हुडीन नाम के एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने दिया था। ह्यूडीन ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पिरामिड्स के ऊपर स्टडी करने में ही बिताई थी, इसलिए ह्यूडीन अपनी थ्योरी पर इतना श्योर थे कि उन्होंने ये भी बताया कि एंशियंट इजिप्शियन ने इन रैम का एंगल 7 डिग्री रखा था, ताकि वो आसानी से इन स्टोन को ड्रैग कर सके। इसके अलावा जो अगली थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है कई हिस्टोरियन के बीच, वो है पिरामिड्स का एलियन कनेक्शन। जी हाँ, एक्चुअली में आप सभी लोग ये जानते हैं कि पिरामिड्स को 4500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन हिस्टोरियन के हिसाब से इन पिरामिड्स को सिर्फ मकबरे की तरह नहीं बनाया गया, बल्कि इन पिरामिड्स का कुछ और ही मकसद था, क्योंकि इन पिरामिड्स का ओरियन बेल्ट के स्टार्स के साथ अलाइंड होना और तो और पिरामिड्स के साइड का कंपस के कार्डिनल पॉइंट के साथ
इतनी बारीकी से अलाइन होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसी वजह से काफी हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज होना इतनी पुरानी सिविलाइजेशन के पास बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हिस्टोरियंस के हिसाब से इन पिरामिड्स को बनाने में एक्चुअली में किसी एलियन या काफी एडवांस सिविलाइजेशन ने इजिप्शियंस की मदद करी थी। तभी तो इतने इजिप्शियन स्क्रिप्चर खंगालने के बाद भी आज तक हिस्टोरियन को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड नहीं मिल पाया कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने ही बनाया था। और तो और अगर इन पिरामिड्स को एंशियंट सिविलाइजेशन ने ही बनाया था तो फिर इसे आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट से अलाइंड करने की क्या जरूरत थी, या फिर इन पिरामिड से एलियन हमारे लिए कोई सीक्रेट मैसेज छोड़ गए, क्योंकि इन सवालों का जवाब आज तक कोई साइंटिस्ट तक नहीं दे पाया। इसके अलावा अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पिरामिड्स के अंदर क्या है और अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो असल में इन पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप पिरामिड के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको काफी पतला पैसेज वे मिलेगा जो कि असल में इस तरह का दिखता है, और आगे बढ़ते ही ये पैसेज ग्रैंड गैलरी पर आकर मिलता है जो कि फाइनली जाकर जुड़ता है किंग्स चेंबर की एंट्रेंस, जहां पर एक्चुअली में मौजूद थी किंग खुफू की मजार, वो भी एक स्टोन के कॉफिन के अंदर पूरी तरह से महफूज। काफी हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स के अंदर जो चेंबर मौजूद थे उनमें एक टाइम पर खजाना भी रखा गया था, पर उसे पहले ही लूटा जा चुका है। और इसके अलावा एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी इन पिरामिड्स को लेकर काफी मशहूर है, वो ये है कि एंशियंट टाइम में इन पिरामिड्स को एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाया गया था, और एंशियंट इजिप्शियंस इन पिरामिड से एनर्जी जनरेट करते थे, क्योंकि काफी इजिप्शियन स्क्रिप्चर खंगालने के बाद उन्हें एक दीवार में कुछ इस तरह की तस्वीर दिखी जिसमें कुछ इजिप्शियंस इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी चीज को हाथ में उठाए दिखते हैं। इसी वजह से काफी अफवाहें उठने लगती हैं कि ये पिरामिड्स एक्चुअली में इन बल्ब को जलाने के लिए बनाए गए थे। पर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो साइंटिस्ट के रिसर्च करने के बाद भी उन्हें इससे जुड़े कुछ आर्टिफैक्ट क्यों नहीं मिले। लेकिन फिलहाल के लिए इतने रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक ना तो कोई साइंटिस्ट और या हिस्टोरियन ये पता कर पाया कि ये पिरामिड को बनाया क्यों गया था। लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से पूछें तो मेरे हिसाब से ये एक्चुअली में एक मॉन्यूमेंट ही है जिसे एंशियंट इजिप्शियन ने शायद रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बनाया था, और क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस श्योर नहीं थी कि इसे क्यों और कैसे बनवाया गया है, इसलिए 19th और 20th सेंचुरी में सही तरह से जवाब न मिल पाने की वजह से इसे मिस्ट्रीज और दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी से जोड़ा जाने लगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या असली मकसद था इन पिरामिड्स को बनवाने का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।